ऐसो चश्मा बिना फ्रेम को लगो बादर लोह में दिखाई दो। अरे चश्मा देख, चश्मा तुम्हारा फिर चहपान ले लगाई, चश्मा चहपान ले दिखान लगो। बोली ना बोली खड़ी हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दूर के लिए चश्मा, नजदीक के लिए नजर थोड़ी थोड़ी पड़ती है। अरे नाना जी अब उचाल ले, ले फ्रेम रख, ना लाए ये बताओ हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे नाना जी एक रात जूते निकालो, काहे के मारे आए तुम हमारे। मैं बहुत जी इसलिए आया हूँ, एक पर्दा हटाओ जरा अपना, हमें मुंह दिखाओ। अरे तुम तो मेरे नन्हे सोचे लगे थे, मैं तुम्हारे गाले घूंघट पर कैसे घूम सकती हूँ। अरे नाना जी हाँ, अरे तुम हमारे आए हो? हाँ बिल्कुल आए हैं। तुम हमारे नन्हे ससुर लगते हैं, तुम्हारे घर घूंघट बंद ना खोल सकत। हाँ अगर कोई काम हो तो बताबो, का काम हो? काम का हम तुम्हारो मुंह देखेंगे, फिर तुम्हें हम दक्षिण पुले चले, तुम्हारो मुंह देख लीबो एक बार, फिर पर्दाबाज हम करते रहना, फिर कोई बात ना। तो अच्छा तुम मुंह देखबे के लिए आए, तो मुंह दिखाए के लिए काम लेके आए? ओ बड़ी बड़ी निशानी लेके आए हैं। का लेके आए? वो है हर चीज मिली ही हमारी। बहू जी तुम्हारे ले हम मुंह दिखाने में थुथुनी लाए, थुथुनी लाए। अरे नाना जी बात थुथुनी कैसी होती? नहीं तुम्हें मालूम? हमें नहीं मालूम वो कैसी। लड़के बच्चे कहते हैं आजकल के, नाक में पहरी जाती है नथुनी। अच्छा पुराने के जमाने में तुम्हारे? ओ हम भैया बूढ़े बाढ़े बात थुथुन महरुआ पहनती है ना, कल छिनकना पड़ती देखो जहाँ थुथुनी आई गई। अरे नाना जी हाँ हाय आई का नकबेसरी का करे तुम्हारे। अरे वह नकबेसरी वह थुथुन पहने जा थुथुनी, हम थुथुनी कहा दी जब तुम तक गए गुलाक और का। अच्छा अरे तब नाना जी हाँ और क्या लेके आए हो? और तुम्हें हम चुतर घंटी लाए। अरे नाना जी बस चुतर गंदी कैसी होती? अरे भाई लड़का बच्चा कहा कमर में बांधी जाती है कमर कंधनी। अच्छा कमर का बिछुआ? हाँ कमर बिछुआ भी कहते हैं, पेटी भी कहते हैं, दो तीन प्रकार से कहते हैं। अरे हम और हम का और चुतरों पर बांधी जाती है चुतर घंटी का। पुराने के जमाने में तुम्हारे लोगों ने? हमारे लोगों ने, हम बूढ़े बड़े। अरे हमारे के जमाने में कमर बिछुआ? हाँ कमर बिछुआ, चलो कमर बिछुआ, चलो फिर कमर बिछुआ मान के चलो, बहुत निशानी मिली। अच्छा हाँ तब वो मिलेगी? हाँ तब फिर और का लेके आए? और का हम तुम्हारे मुँह फटा को तेल उलाए भी होती नहीं देखा है? आज मैं बता रहा हूँ, देखो कितने तेल संसार में बनते हैं। तिल जो होता है जिसको लोग तिल्ली कहते हैं, उसका ऊपर मुंह फटा होता है, उसी के तेल से सारे तेल तैयार करे जाते हैं, उसी तेल सिल्ट डाल दी जाती है, वही तेल कहते हैं। भंगराज ले जो फलानो तेल जो ढकानो तेल, उसी के तेल तिल के तेल से सभी तेल बनते हैं, लेकिन उसका ऊपर मुंह फटो हो। जह हम उसे कहते हैं मुंह फटा को तेल। और का नाना जी हाँ दिखाओ देने करो ले जीबो वाले रोक दे हमारे मुंह पर बैठ ले बहुत तेल तिल को तेल फटो तेल जानते कि नहीं। चलो 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 दिखाओ मुंह दिखाओ हमें देने करो। नाना जी अरे हमें दिखा करारी नाई पर रही दिखाओ भाई जम तेल फटो वाला हमें जम नहीं को। अरे अरे मुंह देखबे के ले तू उधर, अगर तुम मेरा ही मुखड़ा देखना चाहते हो हाँ तो उतनी चीजें तुम लेके आए हो? अब सब चीज लेके आए हैं। अच्छा तुम तो हम नहीं दिखाई ना नहीं। अरे तुम्हें सब जो चीज पसंद हो सब ले लियो, नहीं कोई बात नहीं।
सब हमारे उसके तो तुम तो वहां नन्हे ससुर लगते हो ना भैया घूंघट बंद खोल सकते। अरे नहीं ऐसे ले थोड़ा एक बार पर्दा हटा दो मुंह देख ले, हम देख ले मेरी बहू बढ़िया भाई ले चली, क्योंकि अब हम लच्छू सेठ अग्रवाल कहे जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी बदनामी न हो कि लच्छू सेठ की बहू बढ़िया ना, पैसा खत्म होने। अरे नारा जी हाँ, अगर तुम मेरा मुखड़ा बंद देखना चाहते हो ना, जिद करते हो हाँ दिखा, तो उधर से देख भी क्या आ रहा है। अरे नाना जी उधर से नहीं, उधर से नहीं, इधर से देखिए वो क्या रहा। क्या हुआ बोले जूता हो गजे भाई हुगो बेटा, क्या हुआ? ओ हमारी आंख ही बाटनी हुई, बाटनी हुई नहीं, क्या बात देखिए है। वास्तव में राजा नल ने कहा था बहु बहुत सुंदर है, जिस समय में उसने पर्दा हटाया कौंधा किसी लाप अब लप एकदम हमारे पेट में घुस गई। बेटा हाँ, जिस समय में जैसे पहाड़ की ओर से चंद्रमा निकल पड़ा, अच्छा इतनो बहुत सुंदर बेटा मोतीमल हाँ? बस बहू को देखते खन हमारो बुढ़ापो गो कतई चलो, बुढ़ापो चलो गो जवानी नाची नाची। अरे अरे बहू ककुआ बहुराई गए लगते हमें मानो देखते खन बहू हमें मानो देख ही नहीं पाई। अरे चाचा जी नारा जी जी टांग तुम बहू को मुखार में देखने जाते हो, दबावा कैसा हुआ? अरे कहीं नहीं, तमाकू इन्हें खा ले और मार फटका दे बड़े खूब मींजी मुहिमा मार छुटन लगी और मार चूना तो ज्यादा लग गए इनके पीक मार गिर गया भक्त देने। अल्लाह हमारी कोई गलती नहीं है, पांच खुराक तमाकू बनाई और पांच खुराक बढ़ाई तक याद ही ना रे मारो फंका फट गिर पड़े। आपको नशा हो गया? शाबाश कोई बात नहीं, चलो नाना जी कमजोरी में कोई बात नहीं। अरे बहुत बात कमजोरी तो जाइए, तुम्हारे गड्ढा नाना की कालीन एक न्यारा जात और बनियों का बच्चा भी किसी मुसीबत पर जाए। न्यारो ना मिल पाई आगे वाले डिब्बा में चले जाओ। नहीं हम मेरी प्यारी रहेंगे। अरे आगे वाले डिब्बा में रहो, हम लोग पीछे वाले में रहें। नाना जी हम लंगर काटते हैं, तुम जहाजों में बैठो दर्शनपुर की तैयारी करो बस। लेकिन कितनी भी मुसीबत पर जाए बनियों पे या हम पे, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा रात के समय, ना तुम मेरे पास आना। हम ना यही हूँ। ठीक है लाओ तो लाइए। कालीन मांग रहे लल्ला पर कद्दी कर कालीन मांगत का ओई पर इन थुकी जे पुरिया खाए खाए लाल कदनी हमर माल हमें मालूम जे खराब कर देनी है गौनो लैया खराब कर देनी। अरे नहीं नाना जी पान मुझे खाना है, कुंडी खोल के बाहर करूंगा। हां पीक समुद्र में मार दे। हमारा बची बहु मुश्किल है, हम खत्म जरूर हुई गए। ये तो सुंदर ही बहू है बेटा, हम ही आबो ऐसो कम करियो। हाँ राजा नल को हम लंगर काट के समुद्र टाकी टापू में जहाज जरूर रोक दें। अच्छा और लल्ला तुम बीमार हो जाइयो और हम राजा नल पर कहें कि समुद्र से पानी भर लाओ, पानी भर जाए चाहे वह राम भगन दे। ठीक अपनों काम हमें करके तब हम रानी जरूर बने ही बेटा, हमारे का मनमा ठनी। चलो ठीक बुढ़ापो को जबानी नाची नाची। नाना जी आप चले जाइए, आप चले जाइए, तुम्हारी बहू बढ़िया है। हाँ बहू अच्छी है, सुंदर है, बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी माँ भी खुद देख करके खुश हो जाएगी। चलो भाई सब जल्दी करो बेटा। ठीक है ठीक है प्रिया मालूम होना चाहिए नाना और मामा से मैंने अपना निहार जाज ले लिया है,
और अपना पता बता दीजिए मुझे सोने और जागने का, और बस मेरी गोदी में सो जाइए। आगे की कहानी मंजिल मारी रस भौरा बलवा से चलो नहीं ब्याए जाते अलवेली रानी तेरो बलमा लगाई पारा अरे ठनौरती मंजिल मारी हमसे चलो नहीं जाती मैं भूखी प्यासी बलमा क्या मैं तुम्हें तुम हमें दानवगढ़ से विदा करा के ले आए हो, 8 दिन हो चुके हैं महाराज, मुझसे न चला जा रहा है ना मुझे कुछ दिखाई पड़ता है। हमें नींद छवा चली भारी छाई रही रसम बलमा वाली लड़ाई थी तेरो बलमा लगाई पहरा सोई वे का बलमा सोई वे करी वो रतबाउरा बलमा मेरी एक रजा सुन लीजा कौन सी बतिया रनिया कहियाऊ लड़ाई थी मेरी तुम्हारी बात नहीं धना डारा अरे तुम तो बलमा पार लगाई मैं सोई वो बलमा जा जन के बीच में ब्याए मोरी ब्याही त्रिया मेरी आई जाऊ धना गोदीवा जहाज ले लिया अपने नाना मामा से। हाँ अब तुम कहते हो कहीं मैं ना छोती हो कहीं मैं ना जागती हो सगड़ी बात भाई पलमा बताई दे जा जन के बीच मोतिनी तुमसे कही रही कही आओ कही आओ हार गले की मरी ब्याही त्रिया हमसे समय बात कही के जइया बारा बेटिया सब कोई जाने जा रनिया मोतिनी आई तेरा बेटिया की गरी यो बेटे बारा बेटिया सब कोई जाने बा रानी मोतिनी तेरा बेटिया की गरी रस पौरा बलमा हमई ईद छमाच छाई रही धना मेरी गोदी माया भाव मेरी ब्याही त्रिया तेरो बलमा लगाई पहरा निरालो जाजवाई अपने नन्ना मम्मा से बलमा लैलो तुमने जाजनवा अरे एक बात मई बलम बदला मई तुमने नीला जहाज ले लिया
अपने नाना मामा से जो कहूं बलवा मैं छीन दिया उरत बहुरा बलमा आई सोती बलमा ब्याए सोती बलवा मैं छीन दिया उचार रनिया तुम्हारी फेरी नहीं बलमा दिनी पाई उरत बहुरा बलमा जा ब्याए तुमसे कई रही तुम्हें छोड़ी आई जई का गरवाली रानी जैसे जलमा मीन पसिया कंटक खटला कर के हरवाल तुने के भरतार तोता लगवाइया अरे तई ते जरवई ऐसिया भाई पछताई यो जरूर चार रनिया तुम से अवतार रनिया मेरी गोदी भैया बहु घर वाली त्रिया तेरो बलम लगाई पा सोई बे का पिया सोई बे करियो रतम रा बलम हमई सोत बलम लछिया छे महीना मई छे दिन सोई भोर तबरा पिया फिर बारह साल लहू छे महीना तक सो जाओगी और छे महीना के सोने के बाद में जगोगी बारह साल जगोगी महाराज अब तुम पूछते हो कई महीना सोती हो कई महीना जागती हो रानी मोती ने अपने पति महाराज को समझाती है छह महीना मई छह दिन सोई फिर बारह साल हो जा रनिया तुम्हारी जगी तुम ता बलमा बारह लगाइयो हो मई छोड़ ना जाइयो जा मोती ने तुमसे आप आओ बलम तुम्हें चुमई चाटे मई अपने यहाँ जब बलमा ले रनिया होई तवा ऐसी होई तुन भैया उबिर नहु मरिया आई पहले समझा भैया दोस्तों पहले रनिया हमें समझा भाई पति वरता त्रिया तुम्हें दुलहिन छोड़ी न आई गई अरे जो तो बलमा छीन दिया पछताइयो जरूर कहीं ना मानू जाए नींद छमाच ने मई छाई रही रत मौरा बलमा आई तुम ता पारा लगा मोरे भैया नगर थी अब सोई गई धना गोरी काटे से कटी जाएगे विपतिया काटे से कटी जाएगे बता थोड़े दिन न की पातरिया भैया काटे से कटी जाएगे विपतिया सकाए न बाले भोला मेरे गोला वाले भोला मेरे गोला वाले भोला तुम पै कामरी आई चढ़ाई जाई होता कायल वाले भोला तुम पै कामरी आई चढ़ाई जाई हो आज देखे दोस्तों इधर रानी सो जाती है नाना मामा क्या विचार करते हैं रनिया तो सोबई न लकी गोदा मायर सुन भई
रानिया तो सो भाई नलकी गोदा मायर सुन भाई नल सिंह पहरा रहे भाई करत मसवराया पुत माई जी रनिया सोई गई मेरी गोदी कोमल गात मरिया जीवारी करत तवरा भाई पाचौ बनिए नलका बोरी देव भैया सुधामा नलकी लई लेव मोती दीवार हमारे भैया मिली लिखे लगाई ले लल्ला बेटा मोती मल अब हम खत्म होने पर आएगा। जुगाड़ का मतलब है समझ गए हमने, इसलिए जहाज रोक दे है। वो हत्या हरण वालों लोटा लैया लैया हत्या हरण वालों देखो बंदूक मरी थाने में रिपोर्ट हुई है। गड़सा मार दी तहु लाश मिल गई है। कैसे ऐसो काम करो जो हत्या हरण वालों कमंडल बहे काम जहो करे जो लोटम जो है बहे काम करे ले ये हत्या हरण कहे तुम बच्चा बीमार बनी हो कि पानी मतलब राजा लाल के पास में जाओगे हम चले जाएं यहाँ पर हैरान हुई के बीमार हो बस 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 पानी ना ना लाए पानी को डाउन लग दिया जान ले ही राजा ने अरे सुनाओ था अस्पताल उबाद ढूंढे हैं तुम पर अगर राजा लाल तुम्हारे पास में आ जाए तो कहना मानी पानी मत कहना मानी हम कहीं आधी सांस चलती लड़का खत्म होने पर आएगा और हम जयवेरा हम जल समुद्र में कहीं भर के लौटा लाओ वैसे वेरा हम दौमाद्य हैं जल बोल दी वो बसे हमने मुंह देखो तो बसे हमें एक एक मिनट कटिबो भारू है।